गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे आई एम टेकिंग अ रिकैप्चुलेशन ऑफ चैप्टर 2 प्लांट्स एंड देयर यूजेस फ्रॉम योर ईवीएस बुक. चिल्ड्रन, एज यू हैव ऑलरेडी लर्न दिस चैप्टर इन प्रीवियस वीडियो, बट टुडे वी विल डू अ क्विक रिवीजन अगेन. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. चिल्ड्रन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. The main parts of a plant are its root, stem, leaf, flower and fruit. So children, these are the main parts of a plant: root, stem, leaf, flower and fruit. Now root, the part of the plant below the soil is called the root. Now children, जो plant का part soil के नीचे होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट कहते हैं. और रूट हमेशा सॉइल के नीचे होती है. एंड चिल्ड्रन, सॉइल मीन्स मिट्टी. ओके, द रूट हेल्प्स द प्लांट बाय. अब रूट कैसे हेल्प करती है एक प्लांट को? फिक्सिंग इट टू द सॉइल, एब्जॉर्बिंग वाटर फ्रॉम द सॉइल. यानी कि प्लांट को वो फिक्स रखती है सॉइल के अंदर और वाटर को भी एब्जॉर्ब करती है रूट. ओके चिल्ड्रन, now children, second part is stem. The stem is a part of the plant that grows above the soil. अब ये जो part होता है वो कहाँ पे grow करता है? Soil के ऊपर. Okay, the stem helps the plant by. और ये कैसे एक plant को help करता है? Holding the branches, flowers, leaves and fruits. Branches को, flowers को, leaves को, fruits को hold करके रखता है. Carrying water to the leaves और लीव्स तक वाटर को पहुंचाता है. कैरिंग फूड मेड बाय द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट. ओके, और फूड को भी पहुंचाता है जो कि लीव्स बनाती हैं प्लांट के अदर पार्ट्स में. ओके चिल्ड्रन, एंड चिल्ड्रन, एज यू हैव सीन, इट्स अ पिक्चर ऑफ अ पार्ट्स ऑफ अ प्लांट. ये एक प्लांट की पिक्चर है जिसमें पार्ट्स हैं. ये देखो रूट. ओके, एंड इट इज़ अ स्टेम. Now children, third part is leaf. The leaves of the most plants are green in color. Leaves कौन से color में होती हैं children? Green color में. And leaves prepare food for the plant. और leaves का क्या function होता है? क्या help करती हैं वो? Foods को prepare करती हैं. Okay? Food को prepare करती हैं plant के लिए. Now children, flower. Some plants bear flowers. Such plants are called flowering plants. अब चिल्ड्रन, कुछ प्लांट्स में फ्लावर्स होते हैं, उन्हें हम फ्लावरिंग प्लांट्स बोलते हैं. एग्जांपल्स, रोज, जैस्मिन, सनफ्लावर एंड हिबिस्कस. ओके चिल्ड्रन, सनफ्लावर, जैस्मिन, रोज. नाउ चिल्ड्रन, वन मोर थिंग, फ्लावर्स कम इन मैनी कलर्स. फ्लावर्स जो होते हैं वो बहुत से कलर्स में आते हैं. ओके, दे अट्रैक्ट बीज एंड बटरफ्लाइज. और वो अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करते हैं? बीज और बटरफ्लाइज को. नाउ चिल्ड्रन, फ्रूट. इट्स अ पार्ट ऑफ अ प्लांट. सम फ्लावर्स बिकम फ्रूट्स. एग्जाम्पल, फ्लावर्स ऑफ द मैंगो ट्री, गुआवा ट्री एंड पोमीग्रेनेट ट्री बिकम्स फ्रूट. चिल्ड्रन, कुछ फ्लावर्स ऐसे होते हैं जो बाद में फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं. कौन कौन से? मैंगो ट्री, गुआवा ट्री एंड पोमीग्रेनेट ट्री. चिल्ड्रन, एज यू हैव सीन दिस पिक्चर, फ्लावर्स ऑफ पोमीग्रेनेट टर्निंग इनटू फ्रूट. अब ये पोमीग्रेनेट है और जब ये कन्वर्ट हो जाता है फ्रूट में तो वो इस तरीके से दिखता है. ओके चिल्ड्रन, नाउ चिल्ड्रन, सीड. सीड्स क्या होता है? सीड होता है बीज. ओके, so seeds are found inside most fruits. Most new plants grow from a seed. अब जो seeds होते हैं वो हमें कहाँ मिलते हैं? Fruits के अंदर मिलते हैं, है ना? Some fruits such as mangoes have only seed. अब कुछ fruits ऐसे भी होते हैं जिसमें एक ही seed होता है, just like mango. Mango में कितने seeds होते हैं? One seed. Some fruits such as apples and grapes have few seeds. अब एप्पल और ग्रेप्स में कितने सीड्स होते हैं? फ्यू सीड्स होते हैं, कुछ ही सीड्स होते हैं.
And children, some fruits such as papayas and watermelons have many seeds. और watermelon और papaya में कितने seeds होते हैं? Many seeds, यानी कि बहुत सारे seeds. Okay children, so children, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने parts of a plant के बारे में पढ़ा. Root, stem, leaf, fruit, flower. These are the main parts of a plant. So children, आपने भी अच्छे से इसको revise करना है, learn भी करना है and with spellings also. Okay children, bye, have a nice day.